अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रिंदा, ये देखो आज क्या बनाया आपके लिए, आपका फेवरेट खाना। मुझे नहीं खाना। अगर मम्मा आपको अपने हाथ से खाना खिलाएगी तो भी नहीं? नहीं। जानकी भाभी, आप वृंदा को कमरे में ले जाके खिला दीजिए ना, बेचारी 6 साल के बाद लौटी है, इसे कहाँ डाइनिंग टेबल पे खाने की आदत होगी। हाँ भाभी, अभी अनाथ आश्रम में रही है 6 साल, तो पता नहीं उन्होंने शायद फर्श पे बिठा के खिलाया होगा। कौन सा अनाथ आश्रम? जहाँ पे मैंने 6 साल बिताए थे। जानकी, उर्मिला बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम वृंदा को कमरे में लेके जाओ, उसे खाना खिला दो। ठीक है वृंदा, चलिए रूम में, आराम से आपको बैठकर मम्मा अपने हाथ से खाना खिलाएगी। चलो मम्मा। सॉरी भाई साहब, दोनों टाइम स्पेंड करेंगे तो बात बनेगी नहीं, बिगड़ेगी, और जितनी ज्यादा बिगड़ेगी उतनी जल्दी भाभी इस घर से फिदा होंगी। खुल गया। आज मेरी वृंदा अपनी मम्मा के हाथ से खाना खाएगी ना। फिर से कोई आ गया। वृंदा बेटा, इधर आओ। वृंदा, खाना खा लो। नहीं खाना मुझे खाना। पता है, जब वृंदा छोटी थी ना और सब आपको इतना लाड़ प्यार करते थे, रोमिल चाचू, पापा, दादी, सब कहते रहते थे वृंदा हमें दो, हम इसको खाना खिलाएंगे, पर मेरी वृंदा सिर्फ अपनी माँ के हाथ से ही खाना खाती थी। आज एक बार फिर से अपनी माँ की बात नहीं मानोगी? काश मेरी भी माँ होती जो मुझे इतने प्यार से खाना खिला सकती। वृंदा, ये बाद में देख लेना, पहले खाना खाते हैं। ये लो, मेरे हाथ से खाना खा लो। इसी वजह से अब और चिंता हो रही है डॉक्टर, वृंदा के आने से भी जानकी की तबीयत में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। सी, जैसा आपने बताया कि वृंदा अभी भी जानकी जी के बहुत क्लोज नहीं हुई है, इसलिए इसका असर नहीं दिख रहा। पास तो है पर एक दूसरे के साथ नहीं है। कोशिश कीजिए रघुवीर जी कि वो एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। बहुत जरूरी है जानकी जी और वृंदा के बीच में एक बॉन्ड एस्टैब्लिश करना, वरना वो कभी वृंदा को कभी डॉल को वृंदा समझेंगी। जी डॉक्टर, थैंक यू। ऐसे बैठ के कोई भी खाना खिला सकता है, कुछ अलग करो ना। मतलब? मैं आपके आँख में पट्टी बांध देती हूँ, फिर आप मुझे ढूंढना, अगर आपने मुझे पकड़ लिया तो खा लूंगी आपके हाथ से खाना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, बांध लो। रेडी? वृंदा, मैं इधर हूँ। शैतान, कहाँ गए? चलो अभी किराए काटती खेलती रहेंगी अकेले, मैं तो चली। अरे ये तो भाग गई सेठाने को बुद्धू बनाकर। कहाँ गई वृंदा? अपनी मम्मा के पास आ जाओ। ऐसे तो सेठाने को चोट लग जाएगी।
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। जानकी भाभी की टेंशन मत लो भैया, इतने साल तक उन्होंने एक डॉल को वृंदा माना है और अब अचानक वृंदा वापस आ गई है तो उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा एडजस्ट होने में। वृंदा भी तो जानकी के पास आने से घबराती है, बस वो जानकी को किसी तरह एक्सेप्ट कर ले। कर लेगी भैया, वो भी तो 6 साल अपने घर से दूर रही है, कितना झेला होगा उसने इस छोटी सी उम्र में। आपने ही चोरी की रिपोर्ट लिखवाकर बंटी भैया को जेल भिजवाया ना, और कजरी और गमला को बच्चों वाली जेल में भिजवा दिया। ये सब आपने इसलिए किया ना क्योंकि मैंने आपके साथ आने से मना कर दिया। तुलसी, मैं जाने की तैयारी करता हूँ, ठीक है? और पूरे 1 घंटे बाद आपकी बस्ती के बाहर आऊंगा, आप रेडी रहना। हाँ, तुलसी भी उसी उम्र की है जिसे मैं वादा करके आया था। वो ममता बस्ती वाली जिसे आप वृंदा बना के लाने वाले थे? हाँ रोमिल, पता नहीं कहाँ होगी, कहीं वो मेरा इंतजार तो नहीं कर रही होगी। और पता है, लॉयर का फोन भी आया था, उसने बोला कि पुलिस भी उसका पता नहीं लगा पा रही है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। मिल गई मेरी वृंदा, कहाँ मैं तुझे ढूंढ रही थी और तूने ही मुझे ढूंढ लिया। आजा, आज अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी अपनी प्यारी सी वृंदा को। क्या हुआ? अच्छा बाबा, ऐसे ही खाना खाना है? ऐसे ही खिला देती हूँ, ठीक है? ये वृंदा अपनी मम्मा के हाथ से खाना खाएगी। उसका स्वाद और बढ़ जाता है, शायद माँ खाना खिलाती होगी तो ऐसा ही लगता होगा। थैंक यू वृंदा, तुझे पता भी नहीं है आज तूने मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी, क्यों मेरे हाथ से खाना खाकर। पता है, जब एक माँ अपने बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाती है ना, तो उसके बच्चे का पेट भरता है और उस माँ का मन। थैंक यू मेरी प्यारी वृंदा। क्या हुआ, रो क्यों रही है, क्या हो गया? मैं भी ना, अब देखिए तुलसी हमारी बड़ी सयानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।